एनसीईआरटी का हर साल का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन सुन लो जो आना ही होता है इसमें, प्रॉपर्टीज पे तो आना ही आना है। पहली ओपनिंग में अगर आप सब्जेक्टिव पेपर देखो पिछले 5-7 साल के, एक नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है, क्या ईएम वेव मोमेंटम कैरी करता है? आंसर यस करता है। क्या ईएम वेव एनर्जी कैरी करती है? यस एनर्जी भी कैरी करती है। मोमेंटम तो पक्का पूछते हैं कि मोमेंटम कैरी करता है कि नहीं करता, करता है। तो ईएम वेव कितना मोमेंटम कैरी करता है? तो लिखा हुआ है ईएम वेव ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम एज इट ट्रेवल थ्रू अ स्पेस, लीनियर मोमेंटम कैरी करता है। ईएम वेव ट्रांसफर्स टोटल एनर्जी यू, तो मान लो ईएम वेव गिर रही है यहां पर सरफेस के ऊपर, जिसके पास टोटल एनर्जी ईएम वेव की कितनी है? यू, यू एनर्जी की ईएम वेव गिर गई, कितने टाइम में? टी टाइम में। तो लीनियर मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ? यू अपॉन सी, एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। ये फॉर्मूला है, इसका प्रूफ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू यू बाई सी, वेयर यू इज द टोटल एनर्जी जो पूरी सरफेस के ऊपर गिरी और सरफेस ने एब्जॉर्ब कर ली, और साथ में क्या है, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है। लेकिन अगर आपका कोई सरफेस एनर्जी एब्जॉर्ब ना करे, रिफ्लेक्टर है, प्योर रिफ्लेक्टर है, एनर्जी जाएगी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, तो फिर टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा इसमें? 2u/c। मोमेंटम u बाई सी की जगह क्या हो जाएगा? 2u/c। जैसे प्लस वन में करते थे जाने का मोमेंटम पी, आने का पी, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम 2p, तो ट्वाइस हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला नोट करेंगे, अगर प्योर रिफ्लेक्टर है तो 2 आएगा, अगर नहीं है तो u/c आएगा।